तो चलो यार गाइस, बिल्कुल हम बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, और मोनी और मैं, हम लोग ना बिल्कुल तैयार हैं जाने के लिए। और ये हमारा फर्स्ट टाइम है मोटो ब्लॉगिंग, तो देखते हैं कैसा हमारा एक्सपीरियंस रहता है। रूल्स बना रहे हुए रहते हैं, सब तोड़ देते हैं भाई। ये देखो यहाँ कि बिल्कुल भाई ऑटो पे ऐसे ट्रैवल करके जा रहे हैं, और ये भाई साहब जरा थोड़ा साइड बनाएंगे, फोन पे देख रहे हैं, फोन पे देख रहे हैं भाई साहब। अरे फोन चलाना बंद करो भाई, ये देख रहे हो। हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग नवीन पहाड़ी ब्लॉग्स। दोस्तों कैसे हैं यार आप सब लोग, कमेंट करके यार जरूर बताना। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, और आपकी फैमिली में भी सब लोग बढ़िया होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो यार आज आप देख पा रहे होंगे कि उत्तराखंड में ऋषिकेश का ना मौसम बहुत मज़ेदार है। आप देखो बहुत खूबसूरत नज़ारा है, और सबसे कमाल की बात गाइज ये है कि बहुत सारे जो हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, आप लोग हैं, आप लोग अक्सर ना कमेंट करते हो कि आपका गाँव कहाँ पड़ता है। तो यार दोस्तों मेरा जो गाँव है ना वो पड़ता है भरपूर, और भरपूर ना लमगाँव शहर जो अपना छोटा सा कस्बा है लमगाँव में, और वहाँ पर हमारा जो प्रताप नगर ब्लॉक है, और बेसिकली ये उत्तराखंड के टिहरी डिस्ट्रिक्ट में बिलोंग करता हूँ मैं, टिहरी गढ़वाल से। हालांकि अभी फ़िलहाल हम रेंट पर रह रहे हैं ऋषिकेश में, और अभी जहाँ पर आप देख पा रहे हो अभी शाम के बज रहे हैं भाई 4:30, और मैं ना जो हमारे घर में काम कर रहे हैं लोग उनके लिए चाय लेकर आया था। तो अभी काम चल ही रहा है क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है घर बनने में, और आपके साथ में इसलिए सारी चीज़ें शेयर करता हूँ, मेरे को अच्छा लगता है, और आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार देते हो, कमेंट्स करते हो, तो यार मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छे अच्छे ब्लॉग्स बनाने का ट्राई करता हूँ। हालांकि आप सब लोगों के लिए एक अच्छी न्यूज़ ये है कि हमने ना जो नई बुलेट खरीदी थी रॉयल इनफील्ड मिटियोर, उसके लिए हमने एक नया ना गोप्रो कैमरा खरीद लिया है, और गोप्रो कैमरा की अब आपको फुटेज देखने को मिलेगी जिस तरीके से आपने देखा होगा मोटो ब्लॉगिंग्स, और आपका ब्लॉगिंग्स में और ज़्यादा मज़ा आएगा ब्लॉग देखने में। तो ऐसे ही ब्लॉग को पूरा देखना, आज का ब्लॉग आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाला है। तो अभी दोस्तों हम लोग रेडी हो चुके हैं आईडीपीएल की मार्केट घूमने के लिए, और साथ में मोनी है, और ये है भाई हमारा पूरा सेटअप। देखो आप कि यहाँ पर हमने ना पूरा गोप्रो सेट कर रखा है, और ये मोटो ब्लॉगिंग के लिए भाई ये हमने इसलिए सेटअप करा है ताकि आपको अच्छे अच्छे ब्लॉग्स देखने को मिले। कुछ मोनी कहना चाहोगी? ये थोड़ा सा ना घर में रह रहे के ना इसके माइंड में थोड़ा क्या बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं, कुछ नहीं चलता है। हाँ घर में रह रहे के ना स्ट्रेस हो जाता है, तो थोड़ा मार्केट में ना बाहर घर से बाहर घूमना बहुत जरूरी है, अदरवाइज थोड़ा मूड ना फ्रेश हो जाता है। तो चलो यार हम निकलते हैं। तो चलो यार गाइस, बिल्कुल हम बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, और मोनी और मैं, हम लोग ना बिल्कुल तैयार हैं जाने के लिए। और ये हमारा फर्स्ट टाइम है मोटो ब्लॉगिंग, तो देखते हैं कैसा हमारा एक्सपीरियंस रहता है। और देखो यार बिल्कुल नए नए ब्लॉग्स आपको बढ़िया देखने को मिले, इसलिए हम ट्राई करते हैं कुछ नया करने का। और आप कॉमेंट करके यार ज़रूर बताया करो कि आपको हमारे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं। और एक बात है कि जिस एरिया में हम लोग रहते हैं ऋषि के श्यामपुर में, श्यामपुर ही जगह है, और बहुत अच्छा एरिया यार, बिल्कुल शांति है, बिकॉज इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है, खुला खुला है। तो ये हमारा आ चुका है आम बाग, यहाँ पर ना बहुत सारे यार बहुत सारे आम होते हैं, और बहुत सारे आम हम लेते हैं यहाँ से, और अभी भी बस आम का सीज़न ख़त्म हो ही गया है। देखो थोड़ी बहुत आम बचे हुए हैं जो ये लोग बेच रहे हैं, बट कोई भी फ्रूट्स जब स्टार्टिंग में आते हैं या फिर एंड में ख़त्म होने वाले होते हैं, उस टाइम भी प्राइसिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत महंगे हो जाते हैं। तो भाई वही है कि डिमांड बहुत ज़्यादा होती है और क्वांटिटी में चीज़ें कम आती है, और नई चीज़ है तो यार वो क्या है कि फिर डिमांड बढ़ने से प्राइसिंग महंगी हो जाती है। और भाई आजकल ना कावड़ चल रहा है रोड पे, लेकिन रोड का हाल ना बहुत ही ख़तरनाक है, इतनी ज़्यादा भीड़ है, इतनी ज़्यादा भीड़ है। नीलकंठ जो महादेव जी का मंदिर है भोलेनाथ जी का, तो वहाँ के लिए लोगों को इतना श्रद्धा है भाई, इतनी श्रद्धा लोगों के मन में, और ये देखो इतनी ज़्यादा भीड़ है। अभी तो कुछ नहीं है, डीजे लोग बजाते हैं बहुत भयंकर ढंग से, बट यार देखो जब भी ये लोग ट्रैवल करते हैं ना ट्रक पे या फिर बड़े बड़े ट्रैक्टर में, तो गिरने के चांसेस भी होते हैं एक्सीडेंट के। तो यार मैं तो एक ही बात बोलूँगा कि आप लोग जब भी आते हो कांवड़ यात्रा लेकर, आप लोग बिल्कुल अपनी सेफ जर्नी करो,
और ये देखो बिल्कुल पूरी रेड रोड ना, बिल्कुल पूरा रोड उन्होंने ब्लॉक कर रखा है, पूरी रोड पे चल रहे हैं आप देखो, जबकि इतनी सारी बल्कि इतनी चौड़ी रोड है, अपने साइड चलना चाहिए, बट ये लोग ना सारा का सारा ना पूरी दूसरी रोड भी घेर लेते हैं, जिस वजह से भाई एक्सीडेंट के चांसेस ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और असली श्रद्धा तो भाई इनके अंदर है, ये देखो, देख रहे हो ये कांवड़ियाँ जितने हैं ना, असली श्रद्धा ये होती है, बिल्कुल पैदल पैदल निकल रहे हैं। और भाई एक बात तो और है ना, कभी हम सपना देख मतलब हम सपना देखते हैं अक्सर कि काश हम पे गाड़ी हो, एक अच्छी बाइक हो, भगवान की दुआ से आप लोगों के सपोर्ट से गाड़ी तो हमारे पास आ चुकी है, बाइक आ चुकी है, लेकिन ये जो आप फॉर्चुनर देख रहे हो ना आगे, यार फॉर्चुनर लेने का बड़ा मन है, बट पैसा चाहिए, पैसा भैया साइड दे दो, बड़ी गाड़ी आपके पास, आई नो दैट। और भाई एक गाड़ी ना अपने पास होनी चाहिए, बट आजकल ना लोग चीज़ों को लेने के बाद ना घमंड बहुत करते हैं, अक्सर मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जिनको बहुत ज़्यादा घमंड हो जाता है, क्योंकि उनको लगता है कि भाई गाड़ी लेना और ज़्यादा पैसे होना लाइफ में सब कुछ है, बट अच्छा इंसान अगर कोई अच्छा इंसान नहीं है तो भाई बेकार है उसका, है ना, तो आप इस बात को समझ सकते हैं। बाकी देखो सामने इतना बड़ा ट्रक है, डीजे लगा रखा है बिल्कुल बांध के, और जब ये लोग ऊपर चढ़ते हैं ना, नाच नाच के डांस करते हैं, देखो ये सामने से देखो, ये देखो सिर्फ डाक कावड़, तो घिरने के चांस भाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, है ना। तो भाई अभी हम आ गए हैं पुलिस बाईपास चौकी के पास, जो कि हमारे ऋषिकेश में है, और भाई देखो छोटे हाथी में भी भर भर के लोग कावड़ करने जाते हैं, और अक्सर ना कई लोग देखते हैं घूरते रहते हैं कि अक्सर इसने हेलमेट पर लगा के रखा है, सोचने का ट्राई करते हैं कई लोगों को पता होता, लेकिन कई लोगों को लगता है ये है क्या, आखिर ये है क्या चीज़। और बिल्कुल यहाँ पर भी 108 खड़ी है, ताकि कोई इमरजेंसी में किसी को अगर कोई जो है हेल्प चाहिए तो ले सकते हैं। और कावड़ में ना भाई पुलिस के रूल एंड रेगुलेशंस, भाई जितने भी ट्रैफिक पुलिस के रोड के लिए रोड ट्रांसपोर्ट के लिए रूल्स बना रहे हुए रहते हैं, सब तोड़ देते हैं भाई। ये देखो यहाँ कि बिल्कुल भाई ऑटो पे ऐसे ट्रैवल करके जा रहे हैं कि क्या बताएं, ये तो कुछ नहीं है। कल मैंने देखा कि एक ऑल्टो 800 इतनी पुरानी गाड़ी, मेरे हिसाब से रहा होगा 1990 का मॉडल, उसको काट कर ऊपर से कम उसमें 15 से 20 लोग भरे पड़े थे, यार मैं हैरान हो गया भाई। और ये ट्रैक्टर वाले हैं जो कि लेके आते हैं कावड़। और अभी से देखो अभी टाइम कितना हो रहा है, अभी आप टाइम देखो कि 6:06 हो रहा है, अभी अंधेरा होने में पूरा 1 घंटा है, लेकिन ये लाइटिंग पहले चालू हो चुकी है, देख रहे हो कितनी ज़्यादा लाइट जो है बिजली खपत बेकार जा रही है, और ये लाइटिंग यहाँ से स्टार्ट हो रही है और पूरा ऋषिकेश तक जा रही है। बट यार बिल्कुल गलत है ये, थोड़ा ध्यान देना चाहिए इस पर भी, क्योंकि इतनी लाइटिंग अगर 1 घंटा हम छोड़ देंगे, तो अगर मान के चलो इस लाइट का जो है, अगर ये 50 वोल्ट की भी एक लाइट होती है तो भाई 100 वोल्ट की हो जाती है, एक खंभे पे 2 लाइट लगी होती है, तो कितनी सारी लाइटें हैं ये। खैर अब क्या बोले यार, सरकार और कई लोग जिनको जिम्मेदारी देते हैं इस चीज़ की, ये लोग ना इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि पैसा तो यार हमारा और आप जैसे लोगों का लगता है, हर चीज़ में टैक्स हम लोग पे करते हैं, और फिर भी ऐसा है। तो अभी जो हमें IDPL जाना है ना गाइस, वो हम जाएंगे सामने, वो गेट है हमारा IDPL का, और वहाँ से हम राइट टर्न लेंगे। और ये भाई साहब ज़रा थोड़ा साइड बनाएंगे, फ़ोन पे देख रहे हैं भाई साहब, अरे फ़ोन चलाना बंद करो भाई, ये देख रहे हो, ये बिल्कुल फैमिली को लेके घूम रहे हैं, और बच्चा उनका अंदर है गाड़ी में, वाइफ अंदर है, पूरी फैमिली है, बट इनको ना फ़ोन चलाने से फुर्सत नहीं है, चलाते चलाते गाड़ी इनको ना फ़ोन, ड्राइविंग करते करते फ़ोन चलाना ज़रूरी है। आर साल यार ना कावड़ भी चल रहा है, तो पुलिस वाले कितना रुके किसको बताओ, क्योंकि पुलिस वालों की जिम्मेदारी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है यार, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि एक तो उनको पूरी जो है ट्रैफिक कंट्रोल करना एक बहुत बड़ा टफ काम है, और वो भी कावड़ के टाइम में, क्योंकि यार कावड़ में ना कोई किसी की सुनता ही नहीं है। और सबसे कमाल की बात, मैं तो ये मानता हूँ कि जो सच्चे भगवान जी के भक्त होते हैं ना, वो कभी भी ना तो वो दादागिरी करना चाहिए उनको, यानी कि लड़ाई झगड़ा उनको दूर रहना चाहिए इस चीज़ से। दूसरी बात कि जो सच्ची श्रद्धा से आते हैं ना, वो अपना आराम से ट्रैवल करते हैं, भगवान जी के दर्शन करते हैं और अपना इन्जॉय करते हैं और जाते हैं। लेकिन कई लोग मैंने देखा है दादागिरी पर उतर आते हैं भाई, रोड ब्लॉक कर देते हैं सारी की सारी,
और कल या परसों की बात है, ऋषिकेश में पूरा उन्होंने ब्लॉकेज कर दिया था, रोड ऑटो जाने नहीं दिया। तो यार लोकल लोगों को भी परेशानी होती है और जो बाहर के बेचारे कांवड़ यात्री जो पैदल आ रहे हैं यानी कि जो आते हैं उनको भी दिक्कत होती है। तो अभी इन्होंने यहाँ पर तो ब्लॉक कर रखा है पुलिस वाले ने, और यहाँ से हम जा सकते हैं, यहाँ से हम लेंगे भाई, यहाँ से ले सकते हैं, कोई बात नहीं, इसको जाने दो पहले, उसके बाद हम चलेंगे। तो ये भाई बहुत ज़रूरी है ट्रैफिक को कंट्रोल करना, यहाँ से ले लेते हैं अपनी साइड, बिल्कुल सही है। और शाम को यहाँ बहुत लोग टहलने आते हैं, बहुत लोग, क्योंकि ना यहाँ पर बिल्कुल शांति है और बिल्कुल नेचर से जब भी कोई लोग यहाँ घूमने आते हैं ना तो अपने आप को नेचर से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, क्योंकि इतने सारे पेड़ पौधे, इतनी शुद्ध ऑक्सीजन, साथ ही साथ में कोई भी यहाँ पर पॉल्यूशन नहीं इस साइड। और कई लोग यहाँ पर आर्मी की तैयारी करने आते हैं, भीड़ भाड़ तो काफ़ी होती है। आज संडे है तो संडे मार्केट लगता है यहाँ पे, जिसको हम लोग हाट कहते हैं, वहाँ पे कपड़े हो गया और सब्जियाँ हो गई और नॉन वेज कई लोग खाते हैं तो नॉन वेज भी वहाँ पर मिलते हैं, फ्रूट्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है आसानी से। और ये ग्राउंड है सामने, जब कोविड हो रहा था ना तो यहाँ पर बहुत बड़े बड़े हॉल बनाए गए थे टेम्परेरी, जिसमें कि ट्रीटमेंट करवा रहे थे, और अब उनको हटा दिया गया। बट अभी जो है लोग प्रैक्टिस करने आते हैं, कुछ लोग वहाँ सामने स्कूटी सीख रहे हैं, स्कूटी बाइक बाकी चीज़ कार लोग सीखने आते हैं। और ये हमारा आ चुका है IDPL की हार्ट, ये IDPL की हार्ट हमारी आ चुकी है, और यहाँ पर हम कहीं बाइक को अपनी पार्क करेंगे, क्योंकि आज तो भीड़ ज़्यादा ही होगी, क्योंकि संडे है तो संडे में भीड़ ज़्यादा ही होती है। और ये देखो आप, ये पूरी की पूरी मार्केट है गाइस। तो अभी मुझे पहले ना जगह ढूंढनी पड़ेगी, कोई अच्छी सी जगह, साफ़ सुथरी सी, जहाँ पर मैं अपनी बाइक को खड़ी कर सकूँ। तो यहाँ पर नहीं, मैं ना आगे लगाऊँगा, आगे सामने। तो यहाँ से हम लेंगे राइट टर्न, और राइट टर्न हम लेंगे यहाँ से, ले लेते हैं राइट टर्न, कोई बात नहीं, यहाँ से ले लेते हैं। और भाई साहब, तो यहाँ से हम अंदर लेके जाते हैं ग्राउंड में, ग्राउंड में सही रहेगा, बिल्कुल सेफ है और कोई भी टेंशन नहीं है। तो यहीं लगा लेते हैं अपनी बाइक को। चलो भाई, चलो यार, अब निकलते हैं पीछे मार्केट की तरफ। तो अभी यार गाइज, हमें ना सबसे पहले लेनी है सब्जियाँ अपने घर के लिए, क्योंकि यार बहुत टाइम से ना हम लोग सब्जी लेने नहीं आए थे यहाँ पे। और ये है यार कपड़ों की मार्केट, यहाँ पर बहुत सारे कपड़े मिलते हैं, और सामने ही आपको सब्जियाँ, फ्रूट्स और दालें, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो चलो यार सब्जियाँ फटाफट हम लोग पहले ले लेते हैं। यार गाइस बस यही था छोटा सा आज का ब्लॉग, आपको ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसे ही ब्लॉग्स देखने के लिए यार ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करना, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस करना, और चाहे तो आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, आपको नीचे जो है हमारा इंस्टाग्राम फेसबुक अकाउंट का आईडी मिल जाएगा। तो चलिए गाइस जल्दी मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय दोस्तों।